कैसे हैं आप सभी आप सभी का वेलकम है पूनम कौर रेसिपीज में तो दोस्तों सब्जी खा खा कर अगर बोर हो गए हैं कुछ अलग और नया बनाना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल सी चटनी की रेसिपी लाई हूँ जिसे आप गर्मियों में बनाएंगे ये चटपटी चटनी आपको बहुत पसंद आएगी मैं गारंटी लेती हूँ आपको ये बेहद पसंद आने वाली है तो फिर ना करते हुए चलिए आज की रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं तो आज की रेसिपी बनाने के लिए हम गैस पर एक कढ़ाई रख लेंगे और उसमें हम टमाटरों के दो हिस्से करके इसमें डालेंगे आप टमाटर के जो ऊपर वाली आँख होती है ना उसे निकाल लेना और इसे दो हिस्सों में डिवाइड करके इस तरह से इसमें रख लेना मैंने सात से आठ टमाटर ले लिए हैं लाइक जितनी भी चटनी आप बनाना चाहते हो उतनी क्वांटिटी में आप टमाटर ले लीजिए अब हमें टमाटर को इस तरह से टर्न करके रखना है जैसे मैं रख रही हूँ हम इसके ऊपर डालेंगे दो बड़े चम्मच तेल और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे दोस्तों हमें इसे टर्न बिल्कुल भी नहीं करना हम इसे बिल्कुल छोड़ देंगे कम से कम चार से पाँच मिनट के लिए और ऊपर से थोड़ा सा नमक छिड़क लेंगे ताकि ये फ्लेवरफुल हो जाए अब चार से पाँच मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इन्हें टर्न बिल्कुल भी नहीं किया है नीचे से ना थोड़ा सा जलने वाला फ्लेवर मतलब एक स्मोकी वाला फ्लेवर होता है ना हमें वो चाहिए तो वो हमें मिल जाएगा मैं आपको यहाँ पर टर्न करके दिखाती हूँ आप ये देखिए टमाटर के ऊपर ना इस तरह से स्पॉट्स आ जाएंगे तो यही इस रेसिपी की खासियत है जो इस रेसिपी के फ्लेवर को बहुत बढ़ा देगी आप ये देखिए अच्छी तरह से टमाटर के ऊपर इस तरह से स्पॉट्स आ चुके हैं अब दूसरे साइड से भी एक दो मिनट के लिए हम टमाटर को पकने देते हैं वैसे तो हमारे टमाटर दोनों ही साइड से पक गए होंगे क्योंकि हमने इसे कवर करके रखा था बट फिर भी जो बैक साइड है उसे भी दो तीन मिनट के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है हमें इस टमाटर की स्किन निकालनी है तो ये देखिए बड़े आसानी से आप चिमटे की मदद से या फिर चम्मच की मदद से इसका छिलका निकाल सकते हैं जो कि ऑलरेडी निकला हुआ है फटाफट से आपको इसे इससे अलग कर देना है और उसके बाद इन टमाटरों को हम बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये बढ़िया से कुक हो चुके हैं आपको देखने से ही पता लग रहा है इनकी जो शेप है वो बिल्कुल बदल चुकी है और ये बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं तो बस अब हम इन्हें किसी भी बाउल में या फिर किसी भी प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं और थोड़े से ना ये ठंडे हो जाएंगे जब तक हम अपनी लहसुन को भी भून लेते हैं तो दोस्तों इस जो चटनी में फ़्लेवर आएगा ना वो सबसे ज़्यादा लहसुन का आएगा आप एक बार ट्राई कीजिएगा मैंने यहाँ पर उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल बचा था तो लहसुन की चार कलियाँ डाल दी हैं और उन्हें भी अच्छी तरह से हमें बर्न वाला एकदम अच्छा वाला भुना वाला फ्लेवर चाहिए तो बढ़िया सा जब तक उनका कलर इस तरह से ब्राउन ना हो जाए तब तक आप उसे भून लीजिए और उसके बाद लहसुन को भी हम इस टमाटर के साथ ऐड कर लेंगे अब दोस्तों हमने थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद किसी भी चम्मच की मदद से जैसे फोक चम्मच हो गया ना उससे आप इन सभी को मैश कर लीजिए हमें यहाँ पर इसे बिल्कुल पीस कर इसकी चटनी नहीं बनानी है हल्का हल्का सा जो है ना टमाटर दिखना चाहिए और लहसुन भी थोड़ा मोड़ा दिखना चाहिए ऐसे मैश करना आप बिल्कुल इसे पीस मत देना और मिक्सर में भी बिल्कुल मत पीसना आप इसे हाथों से ही इस तरह से मैश करना तभी जो है इसका फ्लेवर हमें बहुत अच्छे से मिलेगा तो ये देखिए इस तरह से लहसुन को भी हमने मैश कर लेना है और टमाटर को भी तो अब आप देख सकते हैं हमारी जो ये चटनी टाइप है किस तरह की लग रही है बिल्कुल मैंने इसे पीसा नहीं है हल्का हल्का सा टमाटर दिख रहे हैं उसके बाद हम इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो मैंने यहाँ पर दो छोटे छोटे प्याज को महीन टुकड़ों में काट लिया था अब हमने इसमें वो डाल दिए हैं आम का सीजन है दोस्तों कच्चे आम का तो मेरे पास यहाँ पर कच्ची कैरी थी मैंने वो भी इसमें इस्तेमाल की है बिल्कुल महीन टुकड़ों में काट कर डालिएगा बहुत बढ़िया फ्लेवर देगी वो आपको साथ ही मैंने दो से तीन हरी मिर्च को बिल्कुल छोटे टुकड़ों में काट लिया काफ़ी सारा फ्रेश हरा धनिया था वो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता है पक्का डालना और उसके बाद मैंने यहाँ पर दो नींबू के रस का इस्तेमाल किया है हमने वो भी इसमें ऐड कर लिया एक टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें नमक डाला था और आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और उसके साथ ही हमने इसमें डाला है एक टी चाट मसाला बस सूखे मसालों में हमें ये तीन ही चीज़ें यूज़ करनी थी जो इस चटनी के फ़्लेवर को बढ़ा देंगी बस अब हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं वैसे दोस्तों कैरी जो है ना सीज़न में है इसलिए मैंने यूज़ की है बट ये फ्लेवर बहुत अच्छा सा खट्टा मीठा चटपटा सा देगी अगर आप कैरी को स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आप एक बार पर उससे ट्राई कीजिएगा आपको पसंद आएगी अब बस इन सभी चीज़ों को हम एक बार बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हमारी ये चटपटी सी चटनी बनकर तैयार हो गई है दोस्तों आप इसे किसी भी डब्बे में भरकर कर दस दिन तक बड़े आराम से फ्रिज में रखकर खा सकते हैं ये बहुत अच्छी लगती है आप इसे रोटी पराठा दाल चावल किसी के साथ भी सर्व कीजिए साथ ही आप अगर ब्रेड टोस्ट करके भी उसके साथ खाएंगे ना तो ये बेहद लजीज लगेगी आप इसे पक्का ट्राई करना और मुझे भी बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है तो बस हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए तो देखा आपने इसे बनाना बहुत आसान है मार्केट में टमाटर आजकल सस्ते हैं तो आप ये चटपटी चटनी सी एक बार ट्राई करना और मुझे जरूर लिखकर बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी अब मैं आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय